चिलगोजा। ये हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में पाया जाने वाला वो फल है जिसके अंदर मीठी और स्वादिष्ट गिरी होती है और इसीलिए इसकी गिनती मेवों यानी ड्राई फ्रूट्स में होती है। चिलगोजे के पेड़ की लकड़ी, फसल और इससे निकलने वाला चिपचिपा गोंद भी आयुर्वेद चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम पाइंस जिराडियाना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में चिलगोजा केवल हिमाचल के जिला के किन्नौर में ही पाया जाता है। भारत के अलावा ये पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिला के किन्नौर में पाया जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का ये चिलगोजा इस बार आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हो सकता है। दरअसल जिला के किन्नौर में जल विद्युत परियोजनाओं के चलते चिलगोजे के पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिसकी वजह से किन्नौर वासियों को उनकी आर्थिकी का साधन बने चिलगोजे की प्रजाति के विलुप्त होने की चिंता सता रही है। किन्नौर में सेब के बाद दूसरा आर्थिकी का साधन चिलगोजा ही है, लेकिन चिलगोजे के पेड़ों का कटान किन्नौर वासियों के लिए इन दिनों परेशानी का सबब बने हुए हैं। वे इनका कटान रोकने और इनकी प्रजाति को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये चिलगोजा हमारा एक तो हमारी यहाँ के सदाबहार है, ना सर्दी में पीला पड़ता है ना गर्मी में, ये सदाबहार हरा ही रहता है, इससे हमारे एक सौंदर्य को का भी एक बहुत बड़ा इसका फायदा है। दूसरे जितना भी हमारे रोडों के नज़दीक या जितने भी खेतों में है, ये जहाँ भी है लगा, ये बहुत ही प्राकृतिक के लिए बहुत ही सौंदर्य है, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इस जल विद्युत परियोजना का सख्त विरोध हूँ और जो इसे कटान करेगा हम उसके लिए कड़ा विरोध करेंगे, या जहाँ भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा हम वहाँ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चिलगोजे के बारे में एक रोचक बात ये भी है कि किन्नौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर मेहमानों को चिलगोजे की गिरी की माला पिरोकर दी जाती है और देवी देवताओं को भी चिलगोजे की माला पहनाकर उनका सम्मान किया जाता है। किन्नौर के लोगों के लिए चिलगोजा नकदी फसलों में से एक है, क्योंकि बाजार में ये काफी ऊंचे दाम पर बिकता है। चिलगोजे की भारतीय बाजार में कीमत 2 से 3 हजार रुपए प्रति किलो है। जो हमारा चिलगोजे का पौधा है उसकी जो मतलब जो पैदावार देने की क्षमता है, मतलब 25 से 30 वर्ष के बाद मतलब इसका मतलब उत्पादन मतलब उसमें फल आने स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसमें टाइम पीरियड बहुत है, इसलिए हम इस हिसाब से काटते जाएंगे तो ये हमारे मतलब अर्थव्यवस्था को भी बहुत फर्क पड़ेगा जी। इसलिए हम सब किन्नौर वासियों को, मैं तो किन्नौर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जो चिलगोजा है तो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चिलगोजे की फसल को तैयार होने में करीब 7 महीने लग जाते हैं, जिसके बाद इस फसल को पेड़ों से निकालने के लिए स्पेशल मजदूरों को लाया जाता है। चिलगोजा बहुत ही गुणकारी है, जिसे किन्नौर वासी बर्फबारी के दौरान अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आग पर भूनकर खाते हैं। यही नहीं, चिलगोजे से निकला तेल भी बहुत ही गुणकारी माना जाता है और चिलगोजे की गिरी को पीसकर नमकीन चाय और चटनी आदि में भी प्रयोग किया जाता है। ये चिलगोजा ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो पुश्तों तक चलता है, इसका कोई अभी तक उम्र का अनुमान नहीं लगाया गया। हम अगर दिन प्रतिदिन इसको काटते जाएंगे कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स हम खत्म करते जा रहे हैं। चिलगोजे की वजह से जिला किन्नौर देश भर में एक अलग पहचान रखता है, लेकिन अब इनके पेड़ों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है। हजारों की संख्या में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माणाधीन कार्यों में इन पेड़ों को काटकर इसकी प्रजाति को विलुप्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से किन्नौर के लिए आय का साधन और पर्यावरण को भी इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। ईटीवी भारत के लिए किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट।